स्टेशन, रेलवे स्टेशन से वो सामने हमारा होटल है और उस रोड से अब हम जा रहे हैं जामा ऑस्ट्रिया मस्जिद और हम जा रहे हैं बीबी पाक दामन के मज़ार की जानिब। लाहौर के रेलवे स्टेशन से करीब एक मशहूर व मारूफ हस्ती बीबी पाक दामन का मज़ार है। बीबी पाक दामन का मज़ार अगरचा के बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं, लेकिन ख़ास कर अहले तशियो तबका फ़िक्र के अफराद की तादाद बहुत बड़ी तादाद में इनके मानने वाली है और दीगर भी। हम जब बीबी पाक दामन के मज़ार की तरफ रवाना हुए तो ये पतली पतली गलियों के दरमियान मोहल्ले के ऐन बीच वाक़े है, जिसकी वजह से हमें इसे ढूंढने में और इस तक पहुंचने में दुश्वारी हुई। जब हम पूछ पूछ कर इस मज़ार तक पहुंचे तो इस मज़ार शरीफ से मुत्तसिल एक और मज़ार भी है, जहां पर गालिबन दर्जनों या सैकड़ों के हिसाब से कब्रें मौजूद हैं और वो भी मशहूर मारूफ हस्तियों की है। ये मज़ार उससे अलग है। पतली पतली गलियों के दरमियान वाक़े इस मज़ार में ख़वातीन का जमे गफीर नज़र आया। मर्दों की तादाद बहुत कम थी, ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद गलियों में भरी पड़ी थी। जब हम आगे चले तो हमें मालूम हुआ कि मज़ार में दाखिले की इजाज़त नहीं, क्योंकि मज़ार में तामीराती काम जारी है। हमने जब बाहर से जायज़ा लिया तो हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से बहुत आला सतह पर बड़े पैमाने पर मज़ार के तामीराती कामों को बड़ी तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है और इसी वजह से दरवाज़ा बंद है और मज़ार के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन ज़ायरीन की अकीदत का ये आलम था कि सैकड़ों की तादाद में गलियां भरी पड़ी थीं, जो कि दरवाज़े से दुआ करके वापस जा रही थीं और अपनी हाज़िरी लगा रही थीं। बीबी पाक दामन का मज़ार इंशाल्लाह मौका मिला तो बाद अज़ां इसे मुकम्मल तौर पर इसका पैकेज बनाकर आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा।